इससे मरवा वे मोशन एंड वे ऑन स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल 43 अ 660 हर्ट्ज ट्यूनिंग फोर्ट सेट्स अ वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड्स द वेव स्पीड फॉर अ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग इज 220 मीटर पर सेकेंड एंड द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन थ्री लूप्स. तो ए और बी पार्ट में से ए पार्ट है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो ये स्ट्रिंग दो सपोर्ट के बीच में क्लैंप किया है, उसे वाइब्रेट किया है विद दिस ट्यूनिंग फोर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज. मतलब यही फ्रीक्वेंसी होने वाली है स्ट्रिंग की, क्योंकि वो रेजोनेंस से मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच होगी तब रेजोनेंस जो आ जाएगा उस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट होगी. और यहाँ पे थ्री लूप्स बन रहे हैं, मतलब ये थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रही है. और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 220 मीटर पर सेकेंड. उस केस में हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है. अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, तो एक लूप की जो लेंथ होगी, एक लूप की लेंथ जो कुछ भी होगी सपोज L1, और कितने लूप्स है सपोज N, तो इतनी होगी लूप की लेंथ. मतलब ये लूप की लेंथ कितनी होगी, तो N मतलब नंबर ऑफ लूप्स इंटू एक लूप की लेंथ. और एक लूप की लेंथ क्या होती है, दो नोड के बीच में डिस्टेंस. और दो नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, जो भी वेवलेंथ वहाँ पे होगी उसका हाफ लैम्ब्रा बाय 2. तो यहाँ से हमें वेवलेंथ मिल जाएगी. एन की वैल्यू दी है, अब लैम्ब्रा की वैल्यू नहीं दी है. तो लैम्ब्रा कहाँ से मिलेगा, तो हमें ये जो वेव यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है उसकी वेलोसिटी भी दी है और उसकी फ्रिक्वेंसी भी दी है. तो हमें वेलोसिटी इज इक्वल टू एन लैम्ब्रा, ये इक्वेशन पता है. तो यहाँ पे लैम्ब्रा इज इक्वल टू वी अपॉन एन. तो ये वी और वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो ये 220 हर्ट्ज मीटर पर सेकेंड और एन की वैल्यू 660. तो ये 22 और 23 था. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, तो एल इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 3, लैम्ब्रा यहाँ पे 1/3 और ये 1/2. मतलब ये एल आ रहा है 1/2, मतलब 0.5 मीटर. तो ये एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड करनी है हमें. और ये कितनी आ रही है 0.5 मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर. ए पार्ट हुआ. बी पार्ट में कहा है इफ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज 0.5 सेंटीमीटर राइट सुटेबल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द मोशन. जो वेव होगी सपोज से ओरिजिन मानते हैं और ये वेव इस तरह से जा रही, तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का जो मतलब स्ट्रिंग का जो पार्टिकल होगा, मीडियम का जो पार्टिकल होगा, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी अलग होगा. ये पार्टिकल सिर्फ यहाँ तक ही चला जाएगा, इसके आगे वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, इसके आगे वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा. मतलब जैसे हम एक्स एक्सिस के अलावा मूव हो गए, हर एक पार्टिकल का, मीडियम के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग हो रहा है. तो मैक्सिमम यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होगा वो हमें दिया है, मतलब इसकी वैल्यू हमें दी है 0.5 सेंटीमीटर. और हमें कहा है कि इस वेव का इसका इक्वेशन लिखो. तो जो प्रोग्रेसिव वेव थी इस तरह से मूव होती थी, तो स्ट्रिंग का पार्टिकल तो वाइब्रेट होता था सिर्फ, वो तो आगे नहीं चलता था, लेकिन जो वेव आगे जा रही थी, एनर्जी आगे जा रही थी, उसका एम्पलीट्यूड सेम था. मतलब तो एम्पलीट्यूड वेव का कांस्टेंट था, लेकिन अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है. तो इस केस में इसका इक्वेशन आता है 2a sin kx इंटू कॉस ओमेगा टी. मतलब ये साइन के और कॉस टाइम के अनुसार और एक्स के अनुसार इस तरह से वो वेरी होगी. और 2a क्या होगा, तो 2a यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो दिया हुआ है हमें उसकी वैल्यू है. तो ये y इज इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं 2a sin k की वैल्यू 2π/λ इंटू एक्स कॉस ऑफ ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं 2π/T और ये t. अब ये हुआ जनरल इक्वेशन स्टैंडिंग वेव के लिए, लेकिन पर्टिकुलर इस जो डेटा दिया है वहां से हमें इसका इक्वेशन लिखना है. तो ये 2a मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो दिया है 0.5 और ये साइन ऑफ 2π और लैम्ब्रा की वैल्यू, तो लैम्ब्रा की वैल्यू यहाँ पे कहीं दी नहीं है, तो लैम्ब्रा की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी जो गिवन डेटा है वहां से.
लैम्ब्रा क्या होता है, कौन से इक्वेशन में लैम्ब्रा आ जाता है? तो पहले पार्ट में हमने लैम्ब्रा फाइंड किया था, v इज इक्वल टू एन लैम्ब्रा, v यहाँ पे मतलब लैम्ब्रा इज इक्वल टू v अपॉन n, और ये v कितनी है 220, और ये n कितना है इतना। तो ये लैम्ब्रा पहले पार्ट में हमने फाइंड किया था, वो आया था 1/3। और यहाँ पे t भी चाहिए, t इज इक्वल टू क्या होता है, तो v इज इक्वल टू एन लैम्ब्रा, मतलब v इज इक्वल टू एन को लिख सकते हैं हम 1/t, मतलब लैम्ब्रा अपॉन t, मतलब t इज इक्वल टू आ जाएगा t यहाँ पे और v यहाँ पे, तो लैम्ब्रा अपॉन v, और लैम्ब्रा की वैल्यू अब मिल गई 1/3, तो t इज इक्वल टू ये अपॉन 3, और वेलोस v 220। तो इस तरह से t की वैल्यू मिल गई, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा लैम्ब्रा कितना है 1/3। पार्ट ए में ही फाइंड किया था 1/3, और ये एक्स मतलब ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 और ये एक्स और ये कॉस ऑफ 2π डिवाइड बाय टी, टी की जगह पे लिखेंगे हम 1/this, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 × 220 क्या आएगा, टी इंटू ये वाला टी। तो ये वाई इज इक्वल टू आ रहा है 0.5 साइन ऑफ 3 × 2 6π, और ये एक्स भी है कॉस ऑफ यहाँ पे 3 × 6, ये मल्टीप्लिकेशन 44 × 3 12, और इसका 0 12, और ये 13, और ये पाई, और ये टी। तो ये इक्वेशन आ जाएगा जो हमें गिवन दिया है उसके अनुसार इस स्टैंडिंग वेव का।